Hey guys, welcome back to my another video. This is Hassan Alvi. और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रंट फ्लिप का ट्यूटोरियल, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे वोट्स मिले हैं हमारे को, इतने सारे के बस 200 पूछे। अच्छा तो भाई साहब के आज मैं फ्रंट फ्लिप का ट्यूटोरियल बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं रशियन फ्रंट फ्लिप सिखाऊंगा, क्योंकि फ्रंट फ्लिप से ज़्यादा ईजी है। पहले हम रशियन फ्रंट फ्लिप सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको ऐसी वाली फ्रंट फ्लिप सिखाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में अपने आपको अच्छी तरीके से वार्म अप कर लेना है। वार्म अप के लिए आप सबसे पहले जंप कर लें देन अच्छी तरीके से, और उसके बाद आप ये वाली स्ट्रेचिंग लाजमी करें, क्योंकि आपकी जो बॉडी मसल्स हैं वो खींच सकते हैं। और लाइक आपको एक फ्रंट रूल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है फ्रंट फ्लिप के लिए, इस तरीके से हाथ रखना है और गर्दन को नीचे की तरफ निकालना है, इस तरीके से। तो ये फ्रंट रोल है, बहुत ईजी है, इसको कम्प्लीट करना है। उसके बाद बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। कट गया। सेकेंड स्टेप में आपने सिर्फ अपने हाथों को फेंकना और हाथों पर खड़े होने की कोशिश करनी है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। सेकंड स्टेप में इसी की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने फॉरवर्ड में किस तरीके से करना है, ठीक है। आपने खड़े होना और इस तरीके से बॉडी को डाउन कर देना है, फिर कोशिश करनी है कि दोबारा खड़े होना, थोड़ा सा बैकिंग करेंगे इस तरीके से, ताकि अब मैं आपको थर्ड स्टेप की तरफ लेके जाऊँ। तो सेकेंड स्टेप आपने पहले इसलिए कम्प्लीट करना है क्योंकि इससे आपका डर निकलेगा आगे की तरफ घूमने को, ठीक है। तो भाई थर्ड स्टेप में आपको एक डाइव रूल आना चाहिए। डाइव रूल आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा और थोड़ा सा हाई स्पीड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि डाइव रूल में आपको डर होता है कि हमारी गर्दन ना लग जाए, हमारा सर ना लग जाए, हमारे कहीं भी पैर ना निकल जाए। तो डाइव रूल इस तरीके से होता है कि अपने अपनी बॉडी को इस तरीके से ऊपर से फेंकना है और कमर के बल घूमना है, ठीक है, लाइक इस तरीके से। तो अब बात करते हैं डाइव रूल की प्रैक्टिस हम किस तरीके से करें और इसको परफेक्ट कैसे लेके आए, ठीक है। डाइव रूल के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से रुकना है, थोड़ा डाउन और ऐसे, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर से करना है, थोड़ा सा डाउन और ऐसे। जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था वही यहाँ पर रिपीट होगा, देन हाथों पे खड़े होने वाला, ताकि आपको आगे गिरने से डर ना लगे, लाइक ऐसे और ऐसे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप सबसे मैंने इसमें आपको एक हॉप आना चाहिए। हॉप इस तरीके से होता है और ये हर फ्लिप में अप्लाई होता है, लाइक राउंड ऑफ कोई फ्लिप हो इसमें अप्लाई लाजमी होगा। तो गाइस आपको एक हॉप के लिए इस तरीके से रनिंग करनी है और ये ऐसे फेंकना है हाथों को यूं नहीं फेंकना, यूं फेंकना, ठीक है। तो अब इसमें एक हल्की सी रशियन मार के चेक करते हैं, इसमें सारे स्टेप्स को मिक्स करते हैं, हॉप, डाइव रूल और सबसे थर्ड स्टेप हॉप। हॉप हो गया ना, हॉप तक भूल गया। तो भाई नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक टक भी लाजमी है। टक के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये वाली या यहाँ से आप इसमें अंडर टक कर सकते हैं। अंडर टक बहुत ईजी होता है और जब आप ये वाली फ्रंट हैंड फ्रंट फ्लिप करेंगे तो आपने ये टक करना है। आप सारे स्टेप्स को मर्ज करके देखते हैं, ठीक है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि आप डाउन से अप पे कैसे जाएंगे। तो आप पहले हल्की सी रशियन मारेंगे इस तरीके से, ताकि आपको डर ना लगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा रनिंग में करेंगे, हॉप लेंगे, हाथों को स्विंग करेंगे इस तरीके से, ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रोटेशन हो, सही है। सो गाइज यही था एक रशियन फ्रंट फ्लिप का ट्यूटोरियल। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारे, सब्सक्राइब मारे और यार शेयर करते जाइएगा वीडियो को, और कमेंट में बताएं नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस पर होना चाहिए। अब मैं आपके लिए ये वाली जो फ्रंट है वो भी करके आऊंगा। एक मिनट भाई, मेरे भी चैनल आप अपनी जबान से बोले, मेरे चैनल भाई इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुनीम की फ्लिप है, कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और भाई से मैंने पैसे नहीं लिए, भाई फ्री में प्रमोशन हो रही है हमारी। तो भाई साहब मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।